बिस्मिल्लाह। अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है, कि जो कम्युनिकेशन होती है उसकी डायरेक्शन किस तरह की होती है, कि मतलब कम्युनिकेशन किस तरह पास करती है, किस तरह मतलब एक एक मतलब जैसे ऊपर से नीचे तक या नीचे से किस तरह हम कम्युनिकेट किस किस जरिए से करते हैं, किस किस रास्ते से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो जिन जैसे एक हम फर्ज करें हम कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस ट्रैवल के दौरान हमारे रास्ते में पास आते हैं, स्टॉप्स आते हैं, हम एक एक ठहर ठहर कर वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन भी हमारी पास के ज़रिए होती है, स्टॉप्स के ज़रिए होती है। हम अपनी बात किसी को कन्वे करते हैं, वो हमारी बात आगे, वो हमारी बात वो उससे आगे हमारी बात कन्वे करते हैं। तो इसमें तीन लेवल हैं। सबसे पहले है वर्टिकल लेवल है, जिसमें मैनेजर्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड कम्युनिकेट करते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ, उनको ब्रीफिंग देते हैं। किस लिए करते हैं? उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए और ब्रीफ करने के लिए कि भाई ये काम करना। अच्छा, ये अच्छा वर्टिकल, जैसा वर्टिकल होगा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। जो अगर मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने वर्कर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो वर्टिकल तो है, लेकिन वो वर्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगी। और इसी तरह अगर एम्प्लॉयज़ अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और उस इसलिए करेंगे रिपोर्टिंग बैक करने के लिए, भाई जो आपने हमें काम कर रखा था वो हमने कर लिए। तो वो मैनेजर्स किस लिए करेंगे? ऑर्डर देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। और एम्प्लॉयज़ रिपोर्टिंग बैक करेंगे किस लिए? कि वो बताने के लिए कि भाई हमने वो काम की क्या परफॉर्मेंस रही, वो काम किसने किया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन इज टिपिकली मोर फॉर्मल एज टू इकोनॉमी। ये जो वर्टिकल कम्युनिकेशन ये फॉर्मल होती है, इसमें किसी किस्म की इनफॉर्मेलिटी नहीं होती कोई, इसमें बिल्कुल ये टू द पॉइंट और सीरियस बिहेवियर में बात की जाती है। और लेकिन ये कह रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन में अपवर्ड कम्युनिकेशन को चैलेंजेस हो सकते हैं। अब वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ये फील कर सकते हैं कि जो मैनेजर्स हैं हमारी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो मैनेजर्स हैं। ठीक है, उनके पास एक ये रीजन हो सकती है, फिर वो कहते हैं कि वो बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी सजेशंस हैं, उनको वो अच्छी तरह सुनेंगे नहीं, हमारी बात उनसे हो नहीं सकेगी। तो ये कम्युनिकेशन के अंदर इफेक्टिव बनने के राह में ये रुकावटें हैं चीज़ें। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट की ये थॉट है, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो थर्ड पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जी अगर वो कहते हैं कि हमने अपना कोई मसला बताना है या कोई शिकायत करनी है अपनी कंपनी के मुतालिक, या कोई हमें ये इशू है या कोई हमें सोच जाइए, वो कहते हैं कि हम अगर बात करेंगे तो उल्टा वो हमें ही मैनेजर्स डांट देंगे, या हमें ही उसकी जो काम गलत हो रहा है उसका हमें ज़िम्मेदार करार दे देंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, हर कंपनी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ठीक है जी, और फोर्थ पॉइंट है जी, सब यूनिट्स में फील दैट अपवर्ड कम्युनिकेशन में बी कंसीडर्ड बाय देयर कॉलीग्स एज अ वे ऑफ गेटिंग क्लोजर टू देयर सीनियर एज सीकिंग फेवर। अगर वो अपने मैनेजर से बात करना चाहेंगे तो उनके जो सीनियर्स हैं वो जेलिस होंगे, वो समझेंगे कि ये जी ये बार बार इनसे मिल रहा है, इनसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो पता नहीं इसके क्या इसके पीछे मकासद हैं, शायद ये कोई इनसे फेवर लेना चाह रहा है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो अपवर्ड कम्युनिकेशन को अफेक्टिव बनाने के अंदर रुकावट पैदा कर सकते हैं। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल है और हमारे पास डायगोनल है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। थैंक यू।